और केमल करिश्मा जो है उसको एक कंपनी है, उसको खड़ा करने का मतलब है कि हम लोग ऊँटों को जो है सेविंग केमल्स और ऊँटों को बचाने के लिए हम लोगों ने एक, और दूसरा है कि हम लोग केमल ब्रीडर से जो है प्रोडक्ट जैसे केमल मिल्क खरीदना है और करना, ये लोग हम लोग उनसे खरीदते हैं। और एक इनकम जनरेशन के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया कि ऊँट पालक को जो है ये इनकम हो सकती है। रही का समाज देवासी बोले, रही का ही बोले, और मैं पशु पालक पालता परंपरित ही मोरा बड़ा हुई यही पालता आया, ने मैं भी वही पाले गया, ने ऊँट पालो, बकरी पालो, भेड़ पालो, गाय भैंस सब जानवर में पाले गया। 2014 में गवर्नमेंट ने इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया, 2015 में राजस्थान से बाहर जो है केमल बैन कर दिया। तो अब ना तो ऊँट खेती के लिए काम में जा रहा है, ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में जा रहा है, ना ही इंडिया में कोई ऊँट स्लॉटर मीट के लिए पर्पज से कोई जा रहा है। वी हैड टू क्रिएट अ न्यू रैशनल एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन केमल डेयरी एंड नाउ वी हैव सेट अप इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड केमल डेयरी where a number of families every morning they deliver their milk to the dairy, then we process it, we pasteurize it, put it in bottles and deep freeze it, or we process it into a very nice feta and cream cheese, which is very much in demand for by the 5-star hotels here in Rajasthan. Aur saath hi hum log chahte hain ki hamara jo milk jo hai cruelty free ho, उसमें माँ और बच्चे को दोनों है, बच्चे को भी बराबर दूध मिलता रहे। Breeders who had given up camel herding, they are coming back into the business. They're starting again to keep camels and continuously increasing their herd size. 4 साल से कैमल कृष्णा डेयरी में 4 साल से मैं दूध बेच रहा हूँ। बेचने से मेरे को महीना की सैलरी मिलती है 25 से करीबन 30 हजार तक। तो चलते चलते मेरा ये पूरा घर का खर्चा, सब खर्चा ये ऊँटों के ऊपर, दूध के ऊपर है। दूध के बिना कोई भी कमाई नहीं है। ऊँट तो बेचते में मेला बंद हो गया 4-5 साल से, पहला भी 2014-15 में करीबन। हम लोगों के जो लोकली लोग हैं जो कहते हैं कि 36 तरह के झाड़ मीन्स प्लांट जो केमल खा रहा है वो आयुर्वेदिक प्लांट है, उनको जो विश्वास, वो उनको विश्वास है कि ऊँटनी का दूध जो है वो सबसे बेस्ट इस एरिया में है, क्योंकि ऊँटनी जो है घूम फिर के जो है इस तरह का, हम लोग नहीं चाहते कि इसको इंडस्ट्रियल तरह गौशालाओं की तरह गौशाला में रखें या कोई एक जगह बैठा के इनको कुछ चारा खिलाएं। तो बेचतो सारो मले ने सारो ने हड़ियो तो केर है बबूल है, एक गांव से दूसरा गांव फरता रहे था सारो रे टाइम पास वो करे, तो काल में ही ये ऊँट तो सेन कर सकते कालनी ने गाय भैंस ने भेड़। And we are delighted that 2024 has been declared the International Year of Camelids, because we are really hoping that this will help us expand our reach and get more investment and benefit more camel herders. और आने वाले टाइम में जो है एक अच्छा एक मॉडल प्रोजेक्ट हम लोग लोगों के सामने रखे हैं कि इस तरह का अगर आप लोग करते हैं तो ये शायद ऊँटों को बचाया जा सकता है। मारी तोड़ ली उदावली आले हो जी।